अस्सलामु अलैकुम, कैसे आप सब? वालेकुम अस्सलाम। उसमें कैसी दिख रही है? अच्छी दिख रही है ना, माशाल्लाह। आज मैं खुद के हिसाब से तैयार हुई है और मेरी बेटी का एग्जाम भी खत्म हो गया है। बस मैंने नेकलेस और मम्मी से पूछ के बोली थी। हाँ, बराबर। तो मुझे बहुत सारी बात करनी है आप लोगों से। सबसे पहले मैं बता दूं मैं कहाँ थी इतने दिन से। जिस दिन आप लोगों ने मेरा वो व्लॉग देखा था ना, उसी दिन मेरे साथ एक हादसा हुआ था। जो है आप लोगों को पता है, आजम थोड़ा चिड़चिड़ कर रहा था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, ये वो। और मेरे साथ भी हादसा हो गया था जो आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा यहाँ पे। मैं मोरी के अंदर नल पे गिर गई थी, पैर स्लिप हो गया था। आजम को जो है ना उल्टी बुखार ये सब बहुत हो रहा था, आप लोगों को मैंने शेयर किया था। बट मेरे दिमाग में जिस दिन मैं व्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर की, उस वक्त सिर्फ मेरे को उस्मा की पढ़ाई का और उसके एग्ज़ाम का टेंशन था, और आजम तो कर ही रहा था चिड़चिड़। बट यहाँ पे मेरी सिचुएशन ऐसी कि एक तरफ इसका एग्ज़ाम और दूसरी तरफ आजम को डॉक्टर के पास लेके जाना आना चल रहा था। पहले रिपोर्ट कराया, उसका ब्लड टेस्ट हुआ, एक्सरे हुआ, सोनोग्राफी, जो भी डॉक्टर ने बोला सारा टेस्ट हो गया। पहले पता चला उसको टाइफाइड है, बाद में पता चला टाइफाइड प्लस निमोनिया है। कितना परेशान हो रहा था आजम अभी भी। सबसे पहले उसको बुखार हुआ और उससे भी पहले कॉफ था और उससे भी पहले सर्दी भी थी, सर्दी का बुखार, टाइफाइड, निमोनिया। और वो है ना कुछ भी, मतलब कुछ भी खाना नहीं खा रहा था, मतलब अगर पानी भी पी रहा था ना तो वो वॉमिट कर दे रहा था पेट में, मतलब कुछ रखता ही नहीं था। खाना खिला रहा था उल्टी कर देता, दूध पिला, दूध तो पी ही नहीं रहा था वो। और सारे सिचुएशन ऐसे, हाँ। और एक तरफ एग्जाम भी देखना है, उसको भी इग्नोर नहीं कर सकती, उसको भी पढ़ाना छोड़ नहीं सकती। दूसरी तरफ आजम भी तबीयत ऐसी खराब कि हर दो मिनट में मतलब उल्टी कर रहा था बच्चा मेरा। मैं थक जा रही थी ज़मीन साफ करते करते, उसके कपड़े धोते धोते, और ऊपर से तीसरी बात तो ये कि निशा भी छुट्टी पे, अब वो फ्राइडे को आएगी डायरेक्ट। और आज कौन सा दिन है उसका? आज है ट्यूसडे, आज ट्यूसडे। तो ये सारी सिचुएशन में बहुत मैं उलझ के रह चुकी थी, और कहीं बोलो तो मतलब मेरा मन भी नहीं कर रहा था कि मैं ब्लॉग करूँ। मन कहाँ से लगेगा, कहाँ से करता था, इसके लिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। अभी तो फिर भी मेरा ये ज़ख्म बहुत सही है, वरना ऐसे सूजा हुआ था ये तो, है ना अजमा, ऐसा टेंगुल जैसा बन गया था। तो ऐसे अभी तो फिर भी ठीक है गाइस। चलो खैर कोई नहीं, अभी हम लोग तैयार हुए, आजम सो रहा है, उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है गाइस। उसकी दवा चालू है, 14 डेज का पूरा ट्रीटमेंट है डॉक्टर ने बोले, और अभी तो सिर्फ 4 या 5 दिन ही कुछ हुआ है ना, 4 या 5 दिन हुआ है उसकी दवाइयों शुरू होके। क्योंकि देखो रिपोर्ट में 2 दिन तो ऐसे ही चले गए, एक दिन ये रिपोर्ट, एक दिन वो रिपोर्ट, पूरा पूरा दिन जाता है रिपोर्ट लेने के लिए। और जब उसका यूरिन टेस्ट की बारी आई तो डॉक्टर ने बोला कि सैंपल लेके आओ घर से। अब वो डब्बी देख के तो सुसु ही नहीं कर रहा तो उसके रिपोर्ट के लिए भी एक दिन रुकना पड़ा, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में करवाना पड़ा। तो इसलिए उसकी दवा शुरू हो गई, अभी 4 दिन हो गए, अभी और 10 दिन। आप लोग दुआ करना आजम जल्दी से ठीक हो जाए ना। अभी हम लोग जाएंगे इस लोग की नानी के घर पे। तो चलिए गाइस आज चालू कर दी व्लॉग, देखते हैं कहाँ तक जाता है। चल जल्दी से अंदर पहन ले, आजम उठ गया गाइस, मैं मिलाती हूँ अभी आप लोगों को आजम से। अस्सलाम वालेकुम, सलाम करो। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दुबला हो गया ना आजम, सच्ची है मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा दुबला हो गया। हाँ बहुत वज़न कम हुआ उसका, वज़न चेक की मैंने कल, बहुत वज़न कम हुआ उसका। ऑब्वियसली खाना नहीं खा रहा, दूध नहीं पी रहा, खाली उल्टी कर रहा, मतलब समझ लो उसने 3 दिन खुद को सिर्फ पानी पे रखा, सिर्फ पानी पे। हाँ मम्मा चले। और बाद में तो डॉक्टर ने दूध भी बंद कर दिया उसका, जो थोड़ा बहुत उसको ज़बरदस्ती हम लोग पिला रहे थे, दूध बंद। अब एक बच्चा जिसको तलब है दूध की, वो बिना दूध के 2 दिन रहा है। हाँ जम चाइना, चलो जाएंगे नानी के घर। हाँ चलो 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 गाइस। आज तो बच्चे लोग को लेके उड़ा के भाग रहे। क्या आपके भाईजान आजकल काम में बहुत ज्यादा बिजी है, सुबह में 9 बजे जाते हैं, है ना, जो रात को लेट आते हैं। एक्चुअली उन्होंने एक फिक्स जॉब वापस से ज्वाइन कर लिए, तो घर में रहते ही नहीं है पहली बार, तो अच्छा है जाने दो। तो अभी बच्चों का छुट्टी खराब नहीं करना चाहती, बल्कि मैं सोची कब तक, अभी बच्ची बड़ी हो रही है, ये भी बच्चा बड़ा हो रहा है, थोड़ा हिम्मत मुझे भी करना पड़ेगा, है ना उज़्मा। तो मैं लेके जा रही हूँ नानी इधर जाने का, बेचारी ने बहुत जल्दी जल्दी फटाफट होमवर्क करी, प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट करी नानी इधर जाने के लिए। चलिए चलो फिर, जबान दी तो लेके चलती हूँ, किसके अब्बा तो आने वाले हैं 8 बजे के टाइम, तो तब तक रोक नहीं सकती थी।
देखो जब से साइकिल अच्छे से चला रही थी, जैसे ही मैंने कैमरा उठाई साइकिल छोड़ के भाग गई। गाइस मैं चाय पी रही हूँ, चाय पीना ही कब से चला रही देखो ना, और जैसे ही मैंने कैमरा उठा ना, नहीं मैं भी कुछ सोच रही थी, मेरे भी दिमाग में नहीं भाई। एक्चुअली कैसा पता है, 5-6 दिन से व्लॉग बनाई नहीं ना मैंने, तो अभी हाँ हैबिट छूट गई है कैमरा उठाने की। हाँ ऐसा होता है गाइस, 2-4 दिन काम नहीं करेंगे तो ऐसा होता है। आ गई मेरी बेटी, साइकिल चलाओ साइकिल चलाओ, ढूंढ लेता था। चलाओ उसमें साइकिल, पहले चलाती थी अपने घर के पास, हरी कलर की साइकिल है उसके पास। रुको आराम से, गाड़ी आ रही है, देखो आजू बाजू में गाड़ियाँ। हाँ भाई हाँ बराबर, अभी थोड़ा भूलते जाऊंगी मैं, कुछ कुछ कर भी दूंगी और बोलूंगी गाइज मैं भूल गई थी, मेरे ध्यान से निकल गया, तो थोड़ा मैनेज करके लेना, 5-6 दिन हो गए व्लॉग नहीं बना के। गाइज देखो रियाज भी आ गया, कब से आया है बात कर रहा है लेकिन मैंने शूट नहीं किया। वालेकुम अस्सलाम, अम्मी का है अच्छा, तो ऐसा है नानू को देख कैसा रहा नानू को, काड़ी नजर लाल लाल हो गया, बुखार से उसको जरा भी गर्मी दिखती ना, धूप भी लगती तो लाल हो जाता वो। माशाल्लाह अम्मी कहा जा रहे चुपके चुपके? नहीं रे रियाज का खाना निकाली ना, तो मैं रियाज को खाना सलाम में ही भूल गए तुम करना। अरे मैं वहाँ सलाम करके आई ना, अस्सलाम वालेकुम, दो दो तीन तीन जगह चालू है तो भूल गई किधर सलाम करने का। ठीक है वहाँ पे भी जरा कुछ काम चालू है, कैसे आप साहब? गाइस यहाँ पे कुछ काम हो रहा है बता दूं। यहाँ पर हम लोग का शूट हुआ है क्लैश। हाँ तो ऐसा है गाइस, कोई नहीं अभी लोग यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, मैं लोगों को डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करूंगी, पहले मैं ज्वाइन कर सकती हूं, मैं यहाँ पे थोड़ा देखूंगी, यहाँ मैं देखती हूँ क्या करते, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तेरे चैनल को बोल देता हूँ क्या रे शेरू, शेरू देखो कुछ बोल रहा है। देखो मैं बता रहा हूँ कि ना मैं आज से ना कमेंट सेक्शन बंद रख रहा हूँ, रीजन ये है ना कि यार कि ना बहुत सारी चीजें ना अपन पहले जब यूट्यूब शुरू किए थे ना तो बिंदास भेदड़ा कुछ भी बनाते थे, अभी एक ऐसा हो गया ना कि बनाने से पहले ना 10 बार ना ये दिमाग में आता है और सबके आता है, मेरे अकेले के नहीं आता है, कि ये करूंगा तो ऐसे कमेंट आएंगे, वो करूंगा तो वैसे कमेंट आएंगे, ठीक है, तो वो ना कहीं ना अपने को बाउंड्रीज लगा देता है, तो बोलते ना फिर कि कहीं ना कहीं लोगों का सुनो मत, नेगेटिव पे ध्यान मत दो, इस पे ध्यान मत दो, तो उनके लिए एक चीज़ है मतलब कि जब अपने पास ऑप्शन है, मान लो ऑप्शन नहीं रहता तो ज़बरदस्ती झेलना पड़ता था, लेकिन जब ऑप्शन है तो इससे अच्छा है। देखो वैसे भी मेरे को मोहब्बत करने वाले मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, हम लोग की बहुत सारी बातें होती थी, ठीक है, तो मैं यहाँ से अपने चैनल का कमेंट सेक्शन बंद कर रहा हूँ, वैसे भी मेरे व्यूज़ 50,000, 70,000, 1,00,000 जाते हैं तो उतने कमेंट नहीं आते, मुश्किल से 100-150 कमेंट्स आते हैं, लेकिन कुछ हुआ है क्या अभी? नहीं मतलब एक है ना कि अपनी मेंटेलिटी क्या होती है, देख अभी तू दिन अच्छा काम करते करते कोई थॉट बनने लगती ना तो मेरे को आजादी चाहिए, मतलब बोलते ना बिंदा जो करने का करूँ, किसी कौन क्या बोल रहा है उस पर ध्यान ही नहीं जाए, तो जब अपने पास एक ऑप्शन है कि ध्यान नहीं जाए कि भाई मैं कमेंट ही बंद कर देता हूँ, तो ना कमेंट आएंगे ना मेरा ध्यान जाएगा। क्यों क्या हो गया मालूम क्या पा, मैंने ना नोटिस किया कि ना लोगों पहले ना एक कमेंट आते थे ना भलते, तो मेरे को समझ में आता था कि भाई अपन ने कुछ अलग डाले गलत करे तो नेगेटिव कमेंट आ रहे, जैसे कि मैं एक प्रमोशन करता था बैटिंग एप्लीकेशन का, तो करते थे समझ में आता था, ठीक है, अब क्या हो गया मालूम क्या, चल रहा है कुछ भी है डाल रहे कुछ भी, लाइक अभी बताता हूँ मैं, अभी मेरी छोटी वाला जो मैंने वीडियो बनाया था ना, रील बना के डाला था, उसमें लोगों के कमेंट है ना मेरी छोटी को लेके किस बात पे मालूम क्या, इस्लामिक तरीका नहीं है, अभी अपने बच्चे लोग के बाल कैसे कट रहे थे, मान ले मेरा ये भी नहीं है छोटी, तो अभी मैं बांधा भी नहीं हूँ, एक बार बांधा हूँ, ठीक है, बाल बड़े कर रहा हूँ, इससे पहले मेरे जो बाल थे ये वाले ही जो है आजम ने कटाया, स्कूल में बच्चे लोग कटाते, तो वो क्या इस्लामिक तरीके से नहीं है, बोलने का मतलब ये तुम्हारे भी घर में 5 मर्द है ना, उनके भी बाल इस्लामिक तरीके से नहीं है, आज के तरीके से, तो वो लोगों का ऐसा हो गया ना कि कंसेप्ट भाई मेरे को तेरी बुराई निकालनी,
अब वो मैं निकालूंगा। पानी घर बन रहा है, घर में पानी आ रहा है तो तुम लोग का ऐसा लगता ही नहीं है खुद का घर है। फिर एक बात तो इतना क्यों मतलब ले रहा है सीरियस? देख मेरा ऐसा सीन है ना कि भाई दिन में ना मेरे को 10 जन सलाम करेगा ना मेरे को वो याद नहीं रहेगा, शाम में किसी ने ना मेरे को ना टकली मार के भागा है ना मेरे को शाम में वो याद रहेगा। मतलब अपन खुशी खुशी ब्लॉग बना रहे, सामने वाला कुछ भी निकाल रहा उसमें, तो मैं क्या बोल रहा हूँ जब पोकड़ में तुमको निकालने का है तो मैं तुमको मौका ही नहीं दे रहा वही ज्यादा नसीहत देते जो खुद दुनिया के हराम काम करते हैं। जलेसी क्या होती है कल ना मेरे को एक चीज समझ में आई, जो चीज तुम्हारे पास है और उनको आसानी से नहीं मिलती इसलिए उनको जलन हो रही है। और जब तक के मैंने कोई चीज किया नहीं कि तुम मुझसे नफरत करने लगो और फिर भी तुम्हारे ड्रामे निकल रहे जलेसी की वजह से, बराबर ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि मैं ये भी चीज आपा के चैनल पे इसलिए बोल रहा हूँ, मैं तो मेरे चैनल का कमेंट बंद कर दूंगा, फिर तुम लोग आपा को ही पूछेंगे कि भाई कमेंट क्यों बंद कर दिए क्यों बंद कर दिए, तो मैं बोला आपा ले तेरे चैनल पे अब एंगल चेंज करती दो मैडम इनके कमेंट को भलते चीज़। मैं नहीं कभी इतना बोल रही थी, काम अपन कुछ और कर रहे हैं और बोल तो कुछ इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है आप लोगों को पता है ना, तो ये किरकिर ऐसे करते रहता है उसको इग्नोर करना, वरना उसमें भी मुझे बोल दोगे बच्चा रो रहा है तेरे को ब्लॉग बनाने की पड़ी। नहीं नहीं मतलब ये कि भाई वो बोलने का मौका हम दिए, नहीं मेरा एक ही बोलने का मतलब है इतना भी अच्छा कर ले उनके लिए। और ये कब से हो रहा है बताओ, ये कब से हो रहा है? जब से ये घर में जब से तरक्की दिखी है ना तब से लोगों का बर्दाश्त नहीं है, पहले नहीं आते थे आप ऐसे, हम वही करते थे वैसे ही रहते थे बिंदास, वही सब करता था मैं बैंकिंग एप्लीकेशन भी करता था, मैं अपनी मर्जी से करता था, बच्चे लोग कुछ भी करे जो भी करे, जो आज मैं जी रहा था वैसे। वही तो बात है, मैं भी वैसे थी पहले, आज से 7 साल पहले, तभी मेरी लैंग्वेज अच्छी लगती थी, अभी जरा अरे तुरे कर दिया कुछ का तरीका देखो कैसा है। अभी घर में आ गए ना तो कैसा हो गया, मल गया घर तो अच्छा हो गया, तरीका वही है। अच्छी बात है कि हम अभी भी वैसी है, हमने बदले नहीं, अपने बदलना ही नहीं है, वो बोलने का मतलब ये है। मेरे को आया था अभी 4-5 दिन पहले कमेंट, कुछ हलाल कमाओ हराम की कमाई मत खाओ, अब उनने मेरे को ऐसा कमेंट किया तो मेरे को पूछना चाहिए ना, तू सबसे बड़ा हरामी जो हराम काम देख रहा। नहीं छोड़, मैं मेरे बोलने का मतलब ये देख, यही सब होता है डिस्ट्रैक्शन होता है गाइस। अभी अच्छे लोग अपने क्या बोलेंगे कि इन पे ध्यान मत दो, ठीक है, तो उसी के लिए मैं ध्यान नहीं जाए मेरा, मैंने कमेंट सेक्शन बंद कर दिया है आपसे। और जो दूसरी बात रही कि किसी को मुझसे बात करनी है, वैसे भी करते ही अपने जो अच्छे सब्सक्राइबर हैं करते हैं माशाल्लाह, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, अच्छी खासी बात होती है, तो वो तो अपना कंटिन्यू प्रोसेस चालू है, वहाँ नहीं आते आप पट्टू लोग, वहाँ नहीं आते। लेकिन है ना बेटा, ये ना गाइस ये बात है ना कि वो चंद लोगों की हो रही है जो फितने निकालते, सबके लिए नहीं हो रही गाइस, कोई भी ना करते भी, लेकिन आप लोग अच्छा बोलते हो ना, लेकिन वो अच्छा ना एक दिल को लगता ना अच्छा, तो बुरा बोलने वाले का यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे बैठा हुआ रहता, फिर दूसरे दिन अच्छा काम करने का मन नहीं करता। मैं मौका दिया कि भाई के चलो डिस्कस करो कमेंट करो, ठीक है, तो उसमें देख सब कमेंट तो करते नहीं, सब करते नहीं, लेकिन है ना जिनको वो चीज नहीं क्या पिन करो, पर इस चक्कर में तेरे ऑफ कमेंट करने के चक्कर में जो अच्छे व्यूअर जो अपने को प्यार देते दुआएं देते चलेगा चलेगा, वो वैसे भी इंस्टाग्राम पे आके देते हैं, ठीक है, और वैसे भी सब नहीं देते आप, वही बोलता है ना मैंने 50,000-70,000 सच में अच्छे लोग जितने होते ना अच्छे लोग वो लाइक करते चुपचाप ब्लॉग देखते और जाते, ज्यादातर कमेंट ना ज्यादातर देखो अच्छे लोग भी कमेंट करते सलाम करते हैं बेस्ट विशेस देते हैं, जनरल कमेंटर है ना अपने अच्छे मौके पे कमेंट करके जाते हैं। कल की बात बताता हूँ, ठीक है, अभी बोलने का मतलब देख सुन, कल एक बंदी ने ना मेरे को मैसेज किया दाली मालूम क्या कि तुम तो एक मछली अपने बच्चे के लिए खरीद के लेकर आए और उसको टॉर्चर कर रहे हो, ठीक है, अभी तुम इसको हेट कमेंट लो या जो भी लेने का लो, लेकिन तुम ना मच्छी को टॉर्चर कर रहे हो। तो मैंने उसको क्या रिप्लाई दिया, ओ माय वेजिटेरियन फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि मछली तुम नहीं खाती रहेगी तभी तुमको पैट फिश के लिए तो इतना कमेंट करती है, ठीक है, या तो तू मछली नहीं खाती रहेगी, अब जब तू खाती रहेगी तो पैट फिश के लिए तेरा कमेंट करना जायज ही नहीं होता, ठीक है। यहाँ लाखों मछली मरती है, मारते हैं, खाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो खाने की चीज। दूसरी बात, अगर मैं पैक फिश लेकर आया ना तो उसपे ना जुल्म करने वाला बंदा पानी में है, अपना पानी में जुल्म क्या है चीज है, मैंने यूसुफ के लाया ताकि वो चीज को समझे, तो ग्रोइंग चाइल्ड के लिए ये सारी बोलने का मतलब ये है। जब मैंने रिप्लाई दिया ना तो उसका रिप्लाई क्या हुआ मालूम क्या, हम तो आपको कुछ भी बोले आप तो हमारा नेगेटिव हेट कमेंट ही लेते, जबकि खुद ने मैसेज में डाली थी पहले कि मैं तुमको बोल रही हूँ अब इसको तुमको हेट में लेने का हेट में लो, जैसा लेने का वैसा लो, और जब मैंने ले लिया तो उसको वो भी तीखा लगा समझ रही बात का मतलब ये है। तो मैंने बोला कि भाई फिर कोई अच्छा सब्सक्राइबर रहे या बुरा सब्सक्राइबर रहे, मेरे पास नेगेटिव चीज आएगी तो मेरे अंदर से भी मैं भी इंसान हूँ, मैं बोला यार ये मसला ही खत्म करता हूँ ना, कमेंट सेक्शन रहेगा
मेरे को मेरे कंटेंट पे भरोसा है, जिसको पसंद आता है वो ऐसे भी देखेगा और जलंधर लोग भी देखने वाले, क्योंकि उनके पास काम ही नहीं। इसका कमेंट बॉक्स बंद रहेगा, मेरा चालू रहेगा, लेकिन मेरे को भी इतना परेशान मत करना कि मैं कमेंट बॉक्स बंद कर दूं। इसका मुद्दा नहीं, रुक जा, इसका मुद्दा क्या था कि ये कुछ और दिखा रहा है आप लोगों को, मुद्दा कुछ और रहता कमेंट करने का, वही बोल रहा है। अब अगर मैं अपने घर का ब्लॉग बताऊंगी उसके अंदर आप पूछते रहोगे शेरू का है, शेरू का कमेंट बॉक्स क्यों ऑफ है, शेरू का है, शेरू का है, नूर का है, यूसुफ का है, तो मेरे लिए वो इरिटेटिंग हो जाएगा कि मैं मेहनत कर रही हूँ, मेरे बच्चे पति दिखा रही हूँ, और आप लोग शेरू नूर करोगे यहाँ पे, तो ये गलत जरूरत नहीं है कि शेरू भाई ने क्यों कमेंट ऑफ करके रख लिया, मैं क्लियरली बता दिया हूँ। वो कमेंट ऑफ करेगा, मेरे को परेशान मत करना, वरना मैं भी बंद कर दूंगी कमेंट। इतना मालूम है कि मेरे को कंटेंट अच्छा बनाना है, उससे ज्यादा मेरे को कोई और चीज पे ध्यान नहीं देना है। लेकिन वो जो दिमाग में चलते रहता ना कंटेंट बनाने के टाइम पे कि यार अब इसके लिए ये कमेंट आएगा, अब इसके लिए वो कमेंट आएगा, मेरे को वो खाली करने का भेजा थोड़ी नहीं चाहिए। मैंने ना जब मेरा बच्चा इतना दिन से बीमार है ना, मैं सोची एक पोस्ट डाल दी कि मेरे बच्चे के लिए दुआ करना, मैंने वो भी नहीं डाली। पता है क्यों? कुछ लोग दुआ करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं बच्चे पे कर रहे हैं, पहले भी बच्चे पे तो ध्यान देते नहीं है, पति का तो ध्यान रखती नहीं है, ब्लॉग ब्लॉग करती रहती है, तो बुला लेने का ऐसा बोलते हैं, जा जाके अपने बच्चों का ख्याल रख, ब्लॉग ब्लॉग मत कर, ऐसे उल्टे उल्टे लोग चाहते क्या मालूम पापा? देख आप उन्हें ना यूट्यूब से सक्सेस पा रहे और ये लोग चाहते कि अपना चैनल बंद हो। अभी बोलेंगे हम लोग से आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग क्यों चाहेंगे, सबकी बात नहीं कर रहे ना, हम लोग जो पॉइंट करता है ना उसको बोल रहे हैं। भाई तुम लोग तो कभी भी कैमरा लेके शुरू हो जाते, कुछ भी शेयर करते, ये भी करते, वो भी करते, हंसते रहते, ये करते, पार्क में कोई भी बीच पे बकबक करते रहते। अरे भाई नहीं देखने का मत देख, क्या प्रॉब्लम? गाइस सिंपल सी बात है, ये हमारा जॉब है, ये हमारा काम है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो एक नए लेवल के लोग रहते नहीं क्या, बिगनर्स के? भाई तुम काम क्या करते बताओ, वही तो बात। अरे मेरा काम क्या है वही तो तुमको पता चल रहा है, फिर कैसे बताओ तुमको काम? अभी मैं जाके, मेरी टायर खराब है बाइक का, हाँ, और उसके पास मैं खुद गया हूँ कि भाई मेरा पंचर सही कर दे, और वो पंचर सही कर रहा है, उससे मैं पूछूंगा भाई तुम काम क्या कर रहे हो? सामने यहाँ पे ये भी बैठे हो, कुछ बोलने का तेरे को? तू भी बोल ले, तू भी बोल ले। ज्यादा बिजी हूँ, मैं कमेंट्स पढ़ती भी नहीं, क्योंकि मेरे को पता है ज्यादातर नेगेटिव कमेंट्स जो रहेंगे उससे दिमाग होता है खराब। अरे ये पहले नहीं था पा? नहीं था पहले, नेगेटिव कमेंट वाला सीन नहीं था वो, जब से घर में ना, जब से घर आए, गाड़ी आई, ठीक है, अपन अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की किए, तब से चुनती। मुझे तो नेगेटिव कमेंट आते, मैं ब्लॉक कर डालती सीधे सीधे, अपने रिश्तेदारों में आग लगी। ये बोला ना हब से, अभी आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि जब से इधर आए, जब से इधर आए क्यों कर रहा, वो एकदम सही बोल के गया है। तो ठीक है गाइस, सही बात है, वो एकदम सही बोल के गया, हमने सबसे ज्यादा प्यार दिया ना उनको भी आग लगी, तो ये तो गैर है, ठीक है। तो जैसा हमने उनको भी ना आड़िया रखते हुए भी, हाँ यार छोड़ के, पूरे अल्लाह मुसलमान ईमान जो लोग सिखा रहे, और वो भी ना उमरा हज करके आके फिर भी, तो उससे तो हम बेहतर बड़े बाप रख के चोटी कर देना, ब्लॉक कर दिए तो इनको भी ब्लॉक कर दे। अब मेरा मसला ये है कि भाई मैं भी डेली जाके वो हेट कमेंट पढ़ के, वो ब्लॉक करके, देखो मैं अगर कुछ ना काला कांडी करूँ ना तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। कितने दिन के बाद कमबैक कर रही हूँ साला, मैंने कुछ किया भी नहीं तो वो भी पीछे पड़े हुए, ठीक है। अब वो खिड़की मैंने खुली रखा हूँ ना कि जिधर से तुम चिल्ला चिल्ला के भोको, अब मैं वो खिड़की बंद कर रहा हूँ। और मेरे मेरे प्यारे सब्सक्राइबर लोग से यही कहना चाहूंगा कि मेरे को तुम्हारी मोहब्बत ऐसे भी इंस्टाग्राम पे गाइस ज्वाइन कर लेना, वो अवेलेबल रहता है बिल्कुल, तो ऐसा ठीक है। आपा कई लोग तो ऐसे मिलते हैं यार, रोड पे मिल जाते। मेरा तो कमेंट बॉक्स चालू रहेगा गाइस, मेरे को तो आदत पड़ गई कमेंट में आके सुना के जाने का, कमेंट बॉक्स चालू रहेगा। देखो वैसे भी मैं वैसे भी तुम लोगों को बोलता नहीं, लाइक करो सब्सक्राइब करो के बाद मेरा कमेंट करो नहीं आता है। नूर मैं ना पहले मेरे को कमेंट आते थे ना बुरे, तो मैं वीडियो बनाती थी, मैं ना सबर करके वीडियो बना देती थी। अब क्या करती हूँ, मेरे को गलत कमेंट लग रहा ना, मैं ताबड़तोब सुना डालती हूँ, ताकि जो सुनाया ना उसको ही मिले वो जवाब। लेकिन आप सुनाने के बाद भी अपने दिमाग में ना चलते रहती खिचड़ी, वो तो है, और वो खिचड़ी में इतना मूड खराब रहता है कि किसी ना किसी पे उतर ही जाता है। इससे अच्छा है भाई तुम्हारी जली है ना वो तुम्हारे घर तक रखो, ठीक है, चार जन में आपस में झगड़े करो तुम लोग, हमारा अच्छा वाला देख के बाद तुम्हारा मूड खराब होता है। सिंपल सी बात है, हम लोग को अभी यूट्यूब के साथ साथ माशाल्लाह और नया नया एडवेंचर करना, क्या बोल रहे? अरे फिर जल जाएगी बात, बता दी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा भी नया काम चालू है और माशाल्लाह से इंशाल्लाह इसका भी नया काम चालू है, भाई का नया चैनल सब है। सब नया नया, खाली अभी यूट्यूब नहीं है, यूट्यूब के अलावा भी बहुत सारी चैनल चलने वाले हैं। तो कहने का मतलब है कि एक यूट्यूब के कमेंट, बुरे कमेंट की वजह से क्या होता है, यूट्यूब पे ब्लॉग बनाने का भी मन खट्टा हो जाता है, और जो नया चीज हम लोग कर रहे उधर भी ढंग से ध्यान नहीं लगता,
इन शॉर्ट मैं समझ गई, अब समझ गई ना, लेकिन मेरा मसला ये है कि अब मैं ना बिंदास वीडियो बनाऊंगा, जो बनाने का बनाऊंगा, ठीक है। अब वो जो कमेंट के वजह से परेशानी भी खत्म, अब बिंदास भाई मेरे को मेरे कंटेंट पे भरोसा है, मेरे को मेरे कंटेंट पे भरोसा है कि मैं अच्छी चीज बना सकता हूँ और वो लोगों को पसंद आएगी, जिसको पसंद आएगी वो जरूर देखेगा, ये चीज मेरे को मालूम है, ठीक है। अभी मेरे को कुछ बोलना नहीं गाइस, मैं आज बहुत दिन के बाद कम बैक की, बच्चे लोग जरा शांति, बच्चे लोग खेल रहे गाइस यहाँ पे, देखो बच्चों को क्या बोलने का, वो लोग का घर है, वो लोग घर में खेल रहे, अब हमारा काम है घर से चल रहा है तो कुछ नहीं कर सकते, तो भाई लोग छुट्टी बैठे तो चिज्जी कैसे आएगा, तो ऐसा देखो बहुत दिन के बाद कम बैक क्यू, मेरे को नहीं मालूम था ये सब होने वाला है, अभी हो गया कम बैक किए, मेरे को ये नहीं मालूम था कम बैक किए, मेरे को नहीं मालूम, सच्ची बता रहा हूँ, देख मैं ना YouTube पे ना खाली वीडियो बनाने के लिए मैं YouTube पे एक्टिव भी नहीं रहता हूँ, तो किसी ने पूछा नहीं नाजे आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे, मैं कमेंट बस मेरा ही सरदर्द कराओ, मेरे को ही परेशान कर दो, ये किधर है वो किधर है वो किधर है, अनूर मेरे बारे में किसी से मत पूछो, हाँ नहीं तो अच्छा है, मत पूछो मत परेशान करो किसी को, आ गई ना मैं वहाँ पे 6-7 दिन गायब होने के बाद आ गई ना, तो ऐसा है बस इसकी तबीयत अच्छी हो जाए फिर बराबर, छुट्टी लेते रहेगा जैसा मैं लेते रहे, मैं नहीं लेती छुट्टी, कहाँ लेती हूँ छुट्टी नूर, मैं नहीं लेती छुट्टी, ठीक है गाइस फिर से एक बार बोल दूँ, अभी से अपने चैनल का कमेंट बॉक्स बंद, मेरा चालू रहेगा लेकिन मैं अभी चालू रहूंगी, वीडियो को लाइक करते रहना, मेरे को समझ में आते रहेगा, मेरे को भी लाइक कर देना, मेरे को भी लाइक करते रहना, नहीं इससे ऐसा नहीं कि लोगों को मौका मिल जाएगा, देखे देखे हमने ऐसा ऐसा किए तो इनको मजा आ गया, अरे भाई मेरा दिमाग शांत हो जाएगा और मैं और अच्छी चीजें कर पाऊंगा, ठीक है, और जिसको मजा आने वाला है ना उसको मेरी और अच्छा ही देख के और मजा आएगा घर पे बैठे, वो खुश रहेगा अच्छा कंटेंट बनेगा, और वो खुश रहेगा अच्छा कंटेंट बनेगा तो आपको मजा आएगा, जब हम मजे में होते हैं तभी आपको मजा दे पाते, अब हमारा मजा कौन खराब करता है, कुछ वीवर जो जिसकी बात चल रही है, एक तो मेरे को ये समझ भी नहीं आता है, खुद के गिरबान में झांकते नहीं है, इंसान है ना ग्रे होता है, ग्रे हर कोई ना सफेद होता है ना ही कोई काला होता है, हर कोई ग्रे होता है, मैं ग्रे हूँ इसमें क्या बोलते रही अमाल में, अच्छा मतलब अभी पूरा ब्लैक होता है, अभी अभी सुन लिए ना आपने कि इसको आप चोटी के लिए इतना ट्रोल कर रहे थे, मतलब एंड कुछ भी जो भी जिसने भी किया, तो जो रियाज ने अभी बोला ना कि उमरा करके आ गए, इतनी बड़ी दाढ़ी है सर पे टोपी है, हूँ क्या जमात में जाते हैं, पूरा 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 अव्वल दर्जे का, हाँ अव्वल दर्जे का ईमान वाला, कितना पैसा निकला, ये जिसकी बात करे ना मैं उसके बारे में इसके लिए कुछ नहीं बोल रहा ना, जिस दिन मेरे को रोड पे मिला ना मैं वीडियो चालू करूंगा, कॉलर पकड़ूंगा और लाइव आ जाऊंगा, जान दे अभी ज्यादा बता रहा हूँ, जिस दिन मिलेगा ऐसा तो उससे बेहतर वो जिसने किया वो तो पूरा था ना, तो हम वो तो सब कुछ कर रहा था जो हम लोग को बोलते हो कि तुम इस्लाम के हिसाब से रहो ईमान वाले रहो, अरे ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत ईमान वाले होते हैं जो सच में अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं ना, देखो है हम मुसलमान लेकिन हर किसी के दीन दुनिया दोनों में रहते होते हैं, हम लोग दीन दुनिया दोनों में रहते हैं और घर के अंदर ना हम लोग किसी को इरिटेट नहीं कर रहे, किसी को तकलीफ नहीं दे रहे और बाहर वालों को जाकर पिन नहीं करते, उंगली नहीं करते, ये हमारा रहने का तरीका है ना, जिंदा रहने का तरीका सिंपल, बाकी और कुछ मैं नहीं कहना चाहती, अगर शेरू और कुछ कहना चाहता तो वो कंटिन्यू कर सकता, मैं अभी कुछ बात के लिए भी रखते हैं, ऐसे तो बहुत है बहुत है, चलो गाइस फिर ये वीडियो को यहीं पे एंड, बात बताऊं एक बात, देख मैं जो बात बोल रहा था वो टाइम पे ना कैमरा चालू बराबर नहीं था, ये बाल भी इस्लामिक तरीके का नहीं, ये देखो ना इक्वल है, ठीक है ना टकला है, एक आज के दौर के हिसाब, ठीक है ये बाल भी इस्लामिक नहीं लगा, जो मेरे पुराने बाल थे इससे पहले वो भी इस्लामिक नहीं थे, कहीं ना कहीं इस्लामिक है वो भी, कैसा मैं बताऊं मालूम क्या, वो भी मैं खाली बताऊं ना अपने तरीके से बताने जाऊं, ये मेरे सारे बाल इक्वल है, अभी एक बात मुझे बता इस्लामिक तो इतना क्यों डेफिनेशन दे रहा, जिनके मर्दा लोग ऑफिस में सबसे ज्यादा परेशानी कर रहे अपने वाले, सुन ना जो लोग जॉब पे जाते हैं नहीं है इस्लाम इस्लाम के नाम पे तो परेशान, जो लोग जॉब पे जाते हैं मैं तुम लोग से पूछती हूँ, जो लोग जॉब पे जाते हैं जिनके आदमियों को पूरा शेव करना पड़ता है, जिसको कहते हैं हाँ जिसको कहते हैं ग्रूमिंग, ग्रूमिंग के नाम पे उनको पूरा चिकना चपाट कर देते और बोलते फ्लोर पे खड़े रहो, साल साल भर दो दो साल तीन तीन साल सात सात साल को चिकना चपाट होकर फ्लोर पे काम करते करते भी काम करते तो इस्लाम में नहीं झाँकते, अभी भाई हमारे यहाँ पर क्या क्या फॉल्ट है अभी बताऊँ मैं तेरे को, एक बात बताऊँ मैं 5 नंबर मार्केट 50 बार, ठीक है मेरे बहुत सारे दोस्त है जो धंधा करते, ठीक है हकीकत यह है बिना झूठ के धंधा नहीं होता, बिना झूठ के धंधा नहीं होता,
हकीकत ये है। शॉप वाला जितना भी शॉप वाला होगा ना, कपड़ा गारमेंट वाला बर्तन वाला, आपको एक डायलॉग जरूर बोलेगा, बाय खरीदी उतनी की नहीं है तो झूठ नहीं है। दूसरी बात, जितने भी मॉल में चले जाओ जो प्रोडक्ट की पीछे देते ना डिटेलिंग करते, मैंने तो ठंडी बैठी थी मेरे को याद आ गया, मेरे को गर्म हो गया, झूठ होती है प्रोडक्ट डिटेलिंग होती ना वो भी झूठ होती है। क्या बोलते हो आज के दौर में, तुमको चुप बैठो रे, जरा शांति रखो, मालूम भगा दिए बच्चों को, भगा दिया हम लोग बच्चों को। मेरा बोलने का मतलब साफ है, ये जो इस्लाम के नाम पे बोलते हैं ना लोग, इनको मैं केकड़ा बोलता हूँ। एक केकड़ा ही होता है जो दूसरे को खींचता है टांग पकड़ के, ये बाद में बोलो हमारी कौम पीछे है। हाँ ये इस्लाम के नाम पे, ये देख अभी हकीकत बताओ तेरे को, वही लोग जो नॉन इस्लामिक है ना उनके वहां पर जाएंगे और उनको कमेंट में सब चीज वो विश करेंगे, ठीक है, लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और उनको वो अप्रिशिएट भी करेंगे। सिंपल सी बातें, हमारे चैनल पे हमारी फैमिली में कभी हमने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन कभी भेदभाव नहीं किया और ना ही अपने ये जो इस्लाम को कम महसूस किया, ना किसी के धर्म को कम महसूस किया, सबके लिए सबका धर्म एकदम इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमको कोई और नीचे नहीं गिरा रहा है, हमको वो हमारे वाले ही कर रहे हैं, हमारे वाले ही कर रहे हैं, ये वो गलत है और करना भी नहीं चाहिए। क्लियर बता दूं, मैं मुफ्ती बनने नहीं निकला हूं, मैं मेरी ने अपना करियर डिसाइड किया है, मैं पाथ पे हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो चीज मत करो। तुम्हारे घर में मैं दुआ करता हूँ कि एक हाफिज से कुरान हो, ठीक है, एक मुफ्ती बने, एक कारी बने, और सबसे पहले तो आप अपनी टीवी निकाल के बाहर फेंको, अपने बच्चों लोग के पास मोबाइल मत दो, ठीक है, तो तुमको हम लोग भी नहीं दिखेंगे, सिंपल, और जब हम लोग नहीं दिखेंगे तो आप हम लोग को मुफ्ती बनाने नहीं आएंगे। क्यों देख रहे, मतलब फिर वो लोग क्यों देख रहे अपने को, अगर उनको एकदम इस्लामिक वे में देखना है तो जाओ ना भाई, कितने मुफ्तियों के चैनल खुले हुए हैं, इस्लामिक चीजें सीखो, कलमे सीखो, नमाज सीखो, तुम हम क्यों, हमको क्यों देख रहे, जब हम वो चीज नहीं कर रहे हैं, आपको पसंद नहीं आ रही तो मत देखो, हमको वो लोग देखेंगे जिन लोगों को हमारी लाइफस्टाइल से कुछ मतलब है। ए भाई तुम लोग तो कभी नमाज पढ़ते हुए दिखते नहीं है तो मतलब नमाज नहीं पढ़ते रहे, ठीक है, ऐसा हम लोग बहुत चीजें नहीं करते हुए दिखते तो मतलब ये नहीं है कि करते ही, और अगर दिखा दो तो बोलेंगे देखो नमाज भी है अल्लाह और बदले के बीच की बात है, दिखावा कर रहे, अब ऐसे भी बोलेंगे शेरू, ऐसे भी बोलेंगे। मैंने मैटर खत्म कर दिया कि जो बोलने का अपने दिल में बोलो, मैंने मौका बंद कर दिया भाई, मेरे पास एक राइट्स, देखो गाइस मेरे को ना भाई कमेंट करने दू या नहीं दू, तो मैंने अपनी राइट्स का इस्तेमाल किया और ऐसे लोगों का मुंह, मुझे अभी फिलहाल मेरे व्यूवर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मेरा चैनल एकदम प्लेन जा रहा है, मेरे को निगेटिव कमेंट भी इतने नहीं आ रहे, एक आध आते तो उसको मैं वहीं भक्का डालती हूँ अच्छी तरीके से। अब ये जो था ना, हर किसी को नहीं बड़बड़ कर सकता, और मेरा ये सिंपल है, उसके दिल में इतना था और वो ये क्यों कर रहा है, क्यों कमेंट ऑफ कर रहा है, उसने सारी डिटेल बता दी, मेन क्या मालूम क्या, सबसे मेन क्या मालूम क्या, और वो मेरे चैनल पे बताने की वजह ये है कि उसको पता है कि वो इधर पे आने वाले, हाँ, क्वेश्चन मेरे को आके पूछेंगे, इसके लिए जवाब दे दिया उसने। तो मेन क्या मालूम क्या, मैं तो कमेंट का रिप्लाई दे दूं आपा, लेकिन मेरा उसके बाद भी मेरे दिमाग में चलते रहता है भाई क्या होता है पता शेरू, तेरी ऑडियंस थोड़ी अलग है और मेरी ऑडियंस थोड़ी अलग, अब तू बंद रखता ना तो तेरी ऑडियंस आती चाहिए मेरे पास, नहीं मतलब कुछ वक्त के लिए आती है और कुछ वक्त के लिए आने के बाद चली जाती है, और वो आके कुछ नहीं करते, मुझे टेंशन देके चले जाते, तो इसलिए वो इधर बोल के खत्म कर दिया, समझे, तो ऐसा है, बाकी और कुछ नहीं बोलूंगा भाई, वीडियो में मजा आएगा वो देखो। अच्छा अगर कमेंट ये जिसको ब्लॉग के लिए ब्लॉग देखकर तेरे को अच्छा लग रहा है, तेरे से बात करना है, वही सेम कमेंट करते हैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम ऑलरेडी करते हैं, और अगर इंस्टाग्राम पे कोई हेटर आ गया तो क्या करेंगे, उसकी हिम्मत नहीं होगी क्यों पता है, हाँ। एक बात बताता हूँ मैं यहाँ पर ना एक कमेंट सेक्शन है अपना, एक ने हेट कमेंट डाला, मैं उसको रिप्लाई दूंगा ना उससे ज्यादा हेट, तो वो 40 जन को दिखेगा, सबको क्या लगेगा, अरे सरप्राइज अच्छे है, तुम अपना मुंह क्यों खराब कर रहे, लेकिन वही इंस्टाग्राम पे आएगा ना तो उसकी वाट लगा, अपन असलियत में उसकी एड़ भगा, उसकी वाट लगा दूंगा, फिर वो भागेगा उल्टे पैर करके, अरे बाप रे, पहले सोचता था मैं कि एक और चैनल चालू कर दूं ये हेटर लोग को जवाब देने के लिए, फिर वही बात हो जाएगी ना, मैं यहाँ पर भी नहीं दिखाना चाहता वो, तो वहाँ पर भी दिख जाएंगे, अम्मी को टेंशन है, क्या हुआ जा रही है ऐसी करके उधर लास्ट से पकड़ के लाए उसमा को, देख रहा मामू भी अम्मी भी भगा दिए, कितने ये यूसुफ बाहर जाके रो रहा है लेके, और बोल पहले लोग नॉर्मल आवाज में खेल रहे थे, क्या बोला अभी तो मैं नहीं जाऊंगा बात करने के लिए, अरे अम्मी सनिका इन लोगों ने लाड़ में सड़ा के रखे बच्चों को मेरे घर में ना बच्चों को भी बहुत गुस्सा।